और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश में रही है, जहां पर 17 नगर निगमों की आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें एससी की है और 2 सीटें एक महिला के लिए आरक्षित की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में महापौर के लिए 11 सीटें सामान्य है, जिनमें से 3 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई है। कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों की आरक्षण की व्यवस्था जारी कर दी गई है। तो इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों की आरक्षण की सूची यानी कि व्यवस्था जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 2 सूची में 1 महिला आरक्षित हैं, जबकि 1 पुरुष के लिए आरक्षित की गई है। और इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिसमें से 2 सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश में महापौर के लिए 11 सीटें सामान्य के लिए हैं, जिनमें से 3 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। बता दें कि 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायतों की आरक्षण की व्यवस्था जारी कर दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो व्यवस्था है, उसकी जो आरक्षण की प्रणाली है, उसकी जो सूची है जारी कर दी गई है। और बता दें कि 17 नगर निगमों की आरक्षण की व्यवस्था जारी कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 1 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। और ये नगरीय निकाय चुनाव का परिसीमन है, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी कर दी गई है।